हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का स्लीव्स डिज़ाइन का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग कीजिएगा। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट का स्लीव्स का कटिंग कर रही हूँ, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल लीजिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, अस्तर के कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। मैं यहाँ पर एक स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। आप डबल फोल्ड करके रखिएगा कपड़े को ताकि दो स्लीव्स की कटिंग साथ में हो जाए। और देखिए, यहाँ पर जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 11 इंच, 10 इंच मुझे तैयार रखनी है। आर्म होल यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ 34 साइज़ के अकॉर्डिंग। आप अपने साइज़ का नाप कर आर्म होल लीजिएगा। 3 इंच पे मैंने इसे डाउन किया है। बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो 3 इंच पे डाउन कीजिएगा। हैवी साइज़ में, बड़े साइज़ में 3.5 इंच पे डाउन करना है। हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देना है। फिर से हम यहाँ पर नाप लेंगे 7 इंच आर्म होल का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन अपने ब्लाउज में आपने जितना रखा है उतना ही आपको स्लीव्स में भी लेना है। नीचे का आपका जो भी मेजरमेंट होता है स्लीव्स की बॉटम का, आप वो लीजिएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो स्लीव्स की मार्किंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और अब हम इसे कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, स्लीव्स को कट करने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे और बहुत ही सिंपल और इजी स्लीव्स डिज़ाइन है ये। बहुत ही कम समय में आप तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लुक आएगा स्लीव्स का। आप इसे डबल कलर में भी बना सकते हैं और सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है, 1.5 इंच ऊपर की तरफ मैंने मार्क किया है डिज़ाइन के लिए। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करना है 3.5 इंच पर, 3.5 इंच यहाँ से भी 3.5 इंच मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर सेंटर मार्क करना है, तो इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड करते हुए आप यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर लें। ये देखिए, अब सेंटर मार्किंग से हमें यहाँ पर शेप देना है। तो यहाँ पर देखिए, पत्ती का शेप बना रही हूँ। यहाँ पर विड्थ में 1 इंच ले रहे हैं, 1 इंच पर मार्क कर लेना है विड्थ में। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से आपको ये शेप ड्रॉ कर लेना है। फिर से देखिए, हम यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से ये शेप को ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये शेप बना लिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारा 1.5 इंच हो गया मार्जिन का, यहाँ पर भी मार्किंग कर ली है। अब इसे कटिंग नहीं करना है। अब लिया है देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग, तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके इस तरीके से क्रिस्प बना लेनी है और यहाँ पर ये लाइन के यहाँ से हमें पेपर पेस्टिंग को इस पर रख लेना है और पिन से अटैच कर देना है। देखिए इस तरीके से, अब आपको यहाँ पर चौक की जो मार्किंग है वो दिख रही होगी, बस उसी मार्किंग के ऊपर हमें मार्किंग कर देनी है। तो देखिए, यहाँ पर जो चौक वाली मार्किंग है बस उसी मार्किंग से हमें पेन से यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो हमारा जो डिज़ाइन का पैटर्न है वो पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ हो जाएगा। आपको दोबारा से मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। अब पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड कर लेना है और इसे दूसरी तरफ से भी मार्किंग कर देना है। ये देखिए, डबल फोल्ड करने के बाद आपको नीचे वाली मार्किंग जो है वो ऊपर की तरफ दिख रही होगी, तो वही मार्किंग के ऊपर आप दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे कट कर देना है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए और इस तरीके से इसे कटिंग कर देना है। नीचे से शेप के अकॉर्डिंग कट कर देना है। तो ये पैटर्न हमारा कटिंग हो गया है। अगर नहीं होता है पेपर पेस्टिंग तो विदाउट पेपर पेस्टिंग के भी आप इसे बना सकते हैं। अस्तर पर कटिंग करके सिलाई लगाकर इसे आप पलट सकते हैं, पर पेपर पेस्टिंग लगाने से जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका सकते हैं। पेपर पेस्टिंग है, बहुत ही आसानी से ये प्रेस से कपड़े के ऊपर चिपक जाता है। चिपकाना चाहें तो चिपका सकते हैं और नहीं तो आप एक रफ स्टिच लगाकर मार्किंग के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कपड़े के साथ अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इसे सिलाई लगाकर ही कपड़े के साथ अटैच कर दिया है। और अब देखिए, हमें लेना है यहाँ पर मेन फैब्रिक। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और मेन फैब्रिक को रखना है आपको सीधा सीधा रखना है। अब हम यहाँ पर नीचे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई को लेंगे और फिर ऊपर की तरफ जो हमारी मार्किंग है जो हमने पेन से की थी वही मार्किंग के ऊपर सिलाई चलानी है। देखिए, मशीन के टाके को आपको छोटा रखना है, अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। नीचे से फिर से एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
अब देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, तो सबसे पहले हम नीचे से इसे कटिंग कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। सिलाई के थोड़ी दूरी पर आपको कट करना है, एकदम सिलाई के पास से कपड़ा कट नहीं करना है, कम से कम एक पैर का मार्जिन रखते हुए कट कीजिएगा। उसके बाद देखिए पूरे ही पैटर्न पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट लगाने से जो कपड़ा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। पूरे ही पैटर्न के ऊपर इस तरीके से सिलाई के पास तक के कट लगाना है, ध्यान रखिएगा सिलाई ना कटे। अब हमें इसे पलट करके सीधा कर लेना है, तो इस पैटर्न को हम देखिए इस तरीके से पलट करके सीधा कर लेंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से निकाल लेंगे। हाथ से फिनिशिंग कर देनी है हमें, ये देखिए इस तरीके से। कोई भी नोक वाली चीज़ आप ले सकते हैं, या पेन ले सकते हैं, या फिर आप पेचकस ले सकते हैं, या कैची का कॉर्नर से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकल जाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो एक फिनिशिंग की सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर देंगे। ये सिलाई मैं कॉर्नर की ही लगा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। नीचे से भी इसे सिलाई लगाकर कट कर देंगे और अब हमने हाथ से फिनिशिंग कर देनी है और साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। और पूरी स्लीव्स कंप्लीट होने के बाद आप इस पे हाफ इंच की गहराई कट कर दीजिएगा। जो हम फ्रंट पार्ट पे देते हैं वो गहराई करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, गहराई कर देनी है। और यहाँ पर देखिए मैं लेस लगा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिंपल लेस ली है और इस तरीके से इसे लगा देना है। तो ये लेस लगाने से इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आ जाएगा। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी आप रख सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर जो कॉर्नर है, जहाँ पर हम लेस को घुमा रहे हैं, वहाँ पर हल्की सी एक चुन्नट आपको डाल देनी है, छोटी सी प्लिट्स डाल देनी है, ताकि जो डिज़ाइन का शेप है वो बिल्कुल बराबर से दिखे। ये देखिए इस तरीके से। लेस को मैंने यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर अटैच कर दिया है। इसके बाद मैं दूसरे कॉर्नर की भी सिलाई लगा दूंगी और यहाँ पर देखिए लेस के दोनों ही कॉर्नर पर आपको हमेशा सिलाई लगानी होती है। सेंटर से सिलाई ना लगाएं, लेस के दोनों ही कॉर्नर पर आपको सिलाई लगानी है, तभी फिनिशिंग अच्छी दिखती है। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं पीछे से भी इसमें फिनिशिंग दिख रही है। अब इन दोनों जो पार्ट है हमारे ऊपर और नीचे के जो खुले हुए हैं उन्हें हमने सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरीके से मशीन को आगे पीछे करते हुए हम इसे पक्का कर देंगे। इसके ऊपर बाद में कोई भी फैंसी बटन या मोती आप अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने एक पट्टी ली है जिसकी विड्थ है लगभग 2.5 इंच की, 2.5 इंच इसकी विड्थ है। और इस पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके प्रेस लगा लिया था, तो इस पर अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। और इस पर मैंने सीधी सीधी सिलाई लगा ली है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसकी फ्रिल बनानी है। तो यहाँ पर एक आप सुई ले सकते हैं और इस तरीके से छोटी छोटी फ्रिल आपको बना लेनी है। फ्रिल मैंने बड़ी नहीं रखी है और ये जो छोटी छोटी फ्रिल है वो बनाने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। तो देखिए इस तरीके से मैं छोटी छोटी फ्रिल यहाँ पर डाल रही हूँ पट्टी के ऊपर और फ्रिल देखिए बिल्कुल एक जैसी आ रही है। तो ये फ्रिल हम स्लीव्स के नीचे की तरफ अटैच करेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कटिंग करके निकाल देना है यहाँ पर। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल सिलाई के पास से हम कट कर देंगे और मैं इसके पास में एक सिलाई और लगा रही हूँ ताकि जो प्लेट्स हैं वो अच्छे तरीके से बैठी रहें। ये देखिए फ्रिल हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसे नीचे की तरफ अटैच कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से रखना है आपको लेस के नीचे इसे और इस तरीके से घुमाते जाना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिलाई ना दिखे अंदर से आपकी, और लेस के ऊपर अगर फैब्रिक दिख रहा है तो वो आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रिल अटैच हो गई है, यहाँ पर हम कुंदन अटैच कर देंगे और गहराई आपको कर देनी है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो स्लीव्स डिज़ाइन का कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।